हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचि कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल ये उनके लिए है जो घर पे अपनी छत के ऊपर बागवानी करना चाहते हैं। तो आज मैं जो आपके पास टॉपिक लेकर आया हूँ वो है 3G कटिंग। 3G कटिंग का क्या फ़ायदा है? 3G कटिंग से होता ही है कि हमारी जो फल है या सब्जी है हमारी, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर, आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये करेले का प्लांट है एक। इस प्लांट के आज हम 3G कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे खोल देता हूँ कि जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके कि हम कर क्या रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ही हमारी एक ये जो ब्रांच है ये एक ही चलती हुई आ रही है। ये वाली ब्रांच है, जो ये वाली मेन ब्रांच है, उससे पहले कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक ये आ गई है। इसकी यहाँ से सेकंड ब्रांच के लिए जो आप देख सकते हैं, यहाँ से इसकी सेकंड ब्रांच है, यहाँ से निकली हुई है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं चलूँ कि जो आपकी फर्स्ट ब्रांच है ये वाली मेन ब्रांच, इसके बाद यहाँ से चलते हुए ये ब्रांच, ये एक ब्रांच हमारी यहाँ से आ गई है बाहर, एक हमारी ब्रांच यहाँ से आ गई बाहर। मैं आपको यहाँ बता दूंगा चलूँ कि एक मिनट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपने पास क्लियर हो गया, सब ब्रांचें एक एक क्लियर हो गई हैं। तो हमारी मेन ब्रांच है वो ये जा रही है, आप देख सकते हैं। आपने ध्यान की बातों को रखना है, आपने इसके ऊपर कहीं पर भी, जहाँ तक ये 10 पत्ते आ रहे हैं, आप पत्ते काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 10 से 15 पत्ते छोड़ के जो नीचे जितनी ब्रांचें आ रही हैं आपने उनको कट कर देना है। सबसे पहले तो ये वाली ब्रांच है जो हमारी, हम इसको कट कर देंगे, बिल्कुल भी इसको नहीं लगने देंगे, ठीक है ना। इस ब्रांच को मैंने काट दिया है। उसके बाद हमारी सेकंड ब्रांच यहाँ से आ रही है ऊपर से, हम इसको भी कट कर देंगे। इस वाली ब्रांच को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये सेकंड ब्रांच भी हमने यहाँ से कट कर दिया है। आपने ये नहीं देखना है लंबी है या कुछ है या इसको फ्लावरिंग आ गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत फ्लावरिंग आ रही थी, मगर इसके अंदर फल नहीं लगेगा क्योंकि ये मेल फ्लावर होते हैं जो कि फल हमें नहीं देते। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये ब्रांच आगे जा रही है, ये वाली एक ब्रांच हमारी ये भी है साइड की, इसको भी हम कट कर देंगे। अब आपके सामने ये एक ही ब्रांच रह गई है, अब आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से कोई भी ब्रांच आने नहीं देनी है, इसके अंदर यहाँ पर कोई भी ब्रांच ना आए, 10 से 12 पत्ते तक, 15 पत्ते भी आप रख सकते हैं। मैं वैसे 12 पत्ते तक ही इसको रखने वाला हूँ। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
और आप देखेंगे यहाँ पर 10 कुत्तों के बाद एक ब्रांच और आ गई है यहाँ पर। तो हमें इसको भी कट कर देना यहाँ से, ये देखिए आप 10 कुत्तों के बाद ये ब्रांच आ रही है, मैं इसको भी यहाँ से कट कर दूंगा। ये देखिए आप ये वही ब्रांच, तीसरी ब्रांच हमने काट ली है ये, हमारा काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर मैंने पिछली बार यहाँ पर इसकी यहाँ से कट कर दिया था, मैं तो दिखाता हूँ, ये देखिए ये मैंने यहाँ से कट कर दिया था इस मेन ब्रांच का, ये मेन ब्रांच यहाँ से मैं आपको दिखा लेता हूँ एक बार, ये देखिए ये हमारी मेन ब्रांच जा रही थी, जो कि ये मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया था। अब उसके बाद इसने एक यहाँ से निकाल ली है और इसकी एक नई जो शूट निकाली है इसने यहाँ से निकाली है ये वाली। तो इसको हम 10-12 कुत्तों के बाद हमने इसको कट किया था, तो इसकी ये सेकंड ब्रांच है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ब्रांच है, यहाँ पर 10 कुत्तों के बाद यहाँ से ये 10 पत्तों के बाद इसने यहाँ से एक नई नई शूट निकाली है, ठीक है ना। और ये वाली ब्रांच जो है ये इसकी सेकंड जनरेशन की ब्रांच कराएगी है, मगर हमें 10 पत्तों की बार है ये, तो हम क्या करेंगे, एक इसको बढ़ने देंगे और एक इसको बढ़ने देंगे। इसके बाद जो ये हमारी सेकंड जनरेशन की है ब्रांचेज दोनों, वो भी फर्स्ट ब्रांच हमारी यहाँ लगा के ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। अब ये इसकी जो सेकंड जनरेशन की ये ब्रांचें आ रही हैं, उसके बाद हम 10 पत्ते इसके छोड़ेंगे, 10 से 12 पत्ते, फिर उसके बाद इसकी ऊपर की ये टॉप तोड़ देंगे जिससे कि आगे बढ़ ना सके। फिर वो यहाँ से और शूट नहीं निकालेगी, वो हमारी थर्ड 3G कटिंग कराएगी, जो थर्ड आएगी वो उसके ऊपर फीमेल फ्लावर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारी फर्स्ट इसके ऊपर है इसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और जो सेकंड वाली है ये इसमें आपको सॉरी इस वाली में आपको मेल भी नहीं है सारे किनारे, सेकंड वाली के अंदर हमें जो है ब्रांच के अंदर मेल और फीमेल मिलते हैं, और जो थर्ड आएगी उसके अंदर हमें ओनली फीमेल मिलेंगे। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर से समझ चुके होंगे कि हमारी 3G कटिंग क्या है। करेले की बेल है, आप किसी भी बेल पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, सभी के साथ ये फार्मूला ऐसा ही रहेगा। आपने 12 पत्ते तक कोई भी ब्रांच इसकी निकलने नहीं देनी है, 12 पत्ते के बाद आपने ऊपर से इसको जैसे कि ये 12 पत्ते हुए हैं यहाँ से इसको पकड़ कर तोड़ डाले जिससे कि आगे बढ़े ना, और अपनी नई रूट्स वो यहाँ से शूटिंग जो है अपनी यहाँ से नहीं निकाल सके, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम 3G कटिंग से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको किसी भी परेशानी आ रही है तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे भी तो मैं आपको बात कर जवाब जरूर दूंगा। तो मुझे करता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। मुझे नेक्स्ट वीडियो भी जानकारी दीजिए, तब तक के लिए बाय दोस्तों।